हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, जैसा कि आपने पढ़ा थंबनेल में कि महा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, तो ये आपके क्लास टेंथ बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैं यहाँ पे सॉल्व कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि आउट ऑफ KCl, HCl, CCl4 एंड NaCl द कंपाउंड्स विच आर नॉट आयनिक, ठीक है, इन चारों कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड है जो कि आयनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। अब दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चारों हो सकते हैं, ठीक है। मे बी चारों ऐसे हो जो आयनिक हो, कोई ना हो, ठीक है, बट ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। अब देखो KCl की अगर बात करें बेटा, तो KCl क्या है, ये कैसा कंपाउंड है, आयनिक है कि कोवैलेंट। देखो पोटेशियम जो है वो हमारा क्या है, मेटल है जिसमें टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है और यहां पर नॉन मेटल है हमारे पास क्लोरीन, तो क्लोरीन के पास कैसी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो जितने इलेक्ट्रॉन पोटेशियम यहां पर क्या करेगा, डोनेट करेगा, लूज करेगा, उतने क्लोरीन ले लेगा और आयनिक बॉन्ड ऐसे ही तो बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोई ए एक एलिमेंट है और दूसरा बी एलिमेंट है, तो ए के पास कुछ ज्यादा एलिमेंट्स हैं जिनको वो डोनेट कर देगा, लूज कर देगा, तो वो स्टेबल फॉर्म में आएगा, और बी के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, डिफिशियंसी है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बी गेन कर लेता है तो वो स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। तो यहां पर दोनों में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग, और कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड। ए के थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया जाएगा बी पर, ठीक है, और बी ले लेगा, दोनों में क्या बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड, ठीक। अब KCl की बात करें तो सेम ये क्या बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड, क्लियर है। HCl की बात कर लेते हैं बेटा, जस्ट इसमें क्या करते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि एच प्लस सी एल माइनस में ब्रेक हो रहा है तो हमारा आयनिक बना लेगा, ऐसा कतई नहीं है, ठीक है। देखो H प्लस Cl माइनस भले ही ब्रेक होता है बेटा, आयंस के फॉर्म में भले ही ब्रेक होते हैं, लेकिन ये हमारा एक टाइप का कैसा कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड है, ठीक है। रीजन ये है कि हाइड्रोजन के पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, और यहां पर देखें क्लोरीन के पास कितने, दो, चार, छह, सात इलेक्ट्रॉन है। अब ये बताओ कि अगर यहां पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू हमारा बॉन्ड फॉर्म होता है तो ही हमारा आयनिक कंपाउंड होगा HCl। अगर ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता तो काम हो जाता, बट यहां पर बेटा क्या है कि हाइड्रोजन के पास ये टेंडेंसी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करे, डोनेट करे, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पे भरोसा रखता है। उसका मतलब यह है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन देगा तो लेने की भी कोशिश करता है, ठीक है, जो कि आयनिक बॉन्ड में होता ही नहीं, आयनिक कंपाउंड्स में, उसमें तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो कि नहीं होता, तो यहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, मतलब ये हमारा आयनिक नहीं होगा। तीसरी बात करें CCl4 की, तो आपको पता ही है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये CCl4 आपका क्या है, ये भी कोवैलेंट कंपाउंड है, ये भी कोवैलेंट कंपाउंड है, तो ये भी आयनिक नहीं बनेगा। NaCl तो राजा ही है आयनिक कंपाउंड का, उसको तो बोल ही नहीं सकते। तो यहां पे कौन कौन से ऐसे हमारे कंपाउंड्स हैं जो कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे, पहला है HCl और दूसरा है CCl4, ठीक है। बाकी NaCl और KCl दोनों हमारे क्या है, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया कि द एटॉमिक नंबर ऑफ फोर एलिमेंट्स ए बी सी एंड डी आर 6 8 10 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, द टू एलिमेंट्स विच कैन रिएक्ट टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स आर आयनिक कंपाउंड्स। यहां पर हमारे पास चार एलिमेंट्स दिए हैं ए बी सी एंड डी, और चारों का हमारे पास क्या प्रोवाइड है बच्चों, एटॉमिक नंबर प्रोवाइड है 6 8 10 12। अब कह रहा है कि कौन से वो दो एलिमेंट्स होंगे जो रिएक्ट करके क्या करेंगे, आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे। अब देखो एक उठाते हैं, पहले की बात करेंगे ए की, तो ए का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 6। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 and 4, और बेटा ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये कार्बन का है, तो बेटा आपको पता है कि कार्बन क्या करता है, वो तो कोवेलेंट का राजा है, वो तो आयनिक में जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रिएक्ट करके आपस में नहीं बनाएगा। दूसरी बात कर लेते हैं बी की, तो बी का एटॉमिक नंबर है 8 बेटा, और 8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6, ठीक। अब देखो 8 किसका है, ऑक्सीजन का, 8 किसका है, ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन हमारा क्या कर सकता है,
ऑक्सीजन हमारा क्या कर सकता है, बना सकता है। बट आगे देखते हैं, टेन किसका है, टेन नियॉन का है, हमारा सी जो है वो टेन है और ये क्या है आपका नियॉन है। अब नियॉन क्या है, नियॉन तो नोबल गैस है। 2 8 इसका जो ईसी आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8, ये क्या आ रहा है बेटा, ये तो स्टेबल है ऑलरेडी, इसको तो रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये तो करेगा ही नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपका 12, तो 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम मतलब डी जो एलिमेंट दिया है उसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, 2 8 और 2। लास्ट सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो ये क्या करेगा, 2 डोनेट करने की कोशिश करेगा, और 2 डोनेट करने की कोशिश करेगा और लेगा कौन, यहां पर ऑक्सीजन के पास पॉसिबिलिटी है, तो ऑक्सीजन और यहां पर मैग्नीशियम 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रिएक्ट करके आपस में क्या कर सकते हैं, आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। तो यहां पर कौन कौन सा होगा, ऑक्सीजन बोले तो बी वाला और मैग्नीशियम बोले तो डी वाला, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 12 है और जिसका 8 है, ये 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि आपस में रिएक्ट करके आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है।